नमाज के लिए चलते हैं। गैस माशाल्लाह सुबह ऐसी आ रही होती है कि देख बंदी लाजमी करिए, उससे ये होता है आसानियाँ आती हैं और मुश्किल दूर होती हैं। दिन अच्छा मेरी चनोबर की तरह थोड़ा सा अच्छी बात है। ओके ओके, और ध्यान से जाइएगा कीचड़ ना हो बारिश की वजह से। कौन तू परिंदा है चिल्लाएगा? मैं समझिए आपके पीछे आ गया सर। ऐसे बचाओ, कल काम आएंगे। आज बचाएंगे सब कुछ, बड़ा बना दो, रायता फैला दो। नहीं देख रहे तो आगे शेयर कर दो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप तो आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फजर का वक्त हो चुका है, पानी की मोटर खोली थी, आवाज़ थोड़ी थी आपको आज थोड़ी नहीं ज़्यादा ही आ रही होगी। यहाँ पे जो डंकी बम होता है ना, सिस्टम घोड़े की तरह इसकी आवाज़ होगी, जैसे टांगा चल रहा होता है ना। और मैंने सोचा कि नमाज में अभी आधा घंटा है, 5:40 हो रहे हैं, फिर 10 पे जमात होती है फजर की, तो मैंने रख दी चाय। चाय पीते हैं उसके बाद जो है नमाज के लिए चलते हैं। गैस माशाल्लाह सुबह ऐसी आ रही होती है कि देख बन जाए यहाँ पे। चाय भी झटपट तैयार, कोई इशू ही नहीं है। गैस की क्या आवाज़ आ रही होगी आपको? लाजमी आ रही होगी। ये चीज़ें हम लोग नोटिस करते हैं जब वीडियो अपलोड होती है ना, तो उसके दौरान जो है पता चलता है क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें जो हैं बैकग्राउंड पे आ रही होती हैं। खैर व्यूअर्स, आज भी बहुत सारे काम हैं, तो फजर के बाद मतलब जो सुबह 10 बजे के बाद ही काम स्टार्ट होंगे। बाहर के आउटडोर के भी काम हैं, इंडोर के भी काम हैं, दोनों काम हैं मुझे आज। और बारिश हुई है जैसे कि कल यहाँ पर हमारी तरफ माशाल्लाह से, और बाहर भी कीचड़ पानी है, लेकिन मैं मस्जिद लाजमी जाऊँगा इंशाल्लाह। पैर का ज़ख्म जो है वो मेरा थोड़ा सा अंगूठा जो था वो सेट हो चुका है, कल से रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मस्जिद भी जाएंगे और मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ने का ज़्यादा सवाब मिलता है, तो आप लोग भी जाया करें। ये पैदल जाना चाहिए अगर आपके घर से नज़दीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5-6 गलियों का भी फासला है, मतलब जितना आपका सोचें कि मस्जिद करीब ही होती है। हम आजकल हर जगह जो है मस्जिदें करीब बनी हुई हैं जगह जगह, तो आसानी है, जितनी आसानी हमारे दीन के अंदर है ना, शायद ही किसी और। खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं शायद आपको सही गाइड नहीं कर पा रहा कि बहुत आसानी है हमारे दीन में, लेकिन कोशिश करें कि पहल करें। पहला कदम अच्छाई के लिए इंसान को ही उठाना है, तो फिर अल्लाह पाक रास्ते खुद ब खुद खोलता है। और मस्जिद पैदल जाइए और नमाज की पाबंदी लाजमी करिए, उससे ये होता है आसानियाँ आती हैं और मुश्किल दूर होती हैं, दिन अच्छा गुजरता है, बहुत सारे अल्लाह पाक जो है बुराइयों से भी बचाता है, शैतान से भी बचाता है जब इंसान अच्छे काम करता है। वो कहते हैं ना, कदम कदम पे नेकी भी है, कदम कदम पे गुनाह भी है। तो जो चीज़ आप पिक करना चाहो, ये तो मेरी अपनी थिंकिंग है कि खैर व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह। मेरी सनोबर की तरह थोड़ा सा अच्छी बातें करने लग गया। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह आपका सजर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ओ पर्दा कुंडी कुंडी खुला है, खुला है अंदर कुंडी। ये क्यों चिल्ला रहा था? कैसी तबीयत है आपकी? ये क्यों चिल्ला रहा है? कौन तू? परिंदा है चिल्लाएगा? मैं समझी आपके पीछे आ गया सर।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जाओ होंगे खैरियत से होंगे। और थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर योर लाइक विद ब्लॉग्स। हमेशा मैं रोज़ आप लोगों का थैंक यू बोलूँगी कि मेरे ब्लॉग्स को आप लोग पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो और कमेंट्स कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच। जुनेद को आपने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हम कहाँ हैं ये रही आगे। होप सो आप लोग खैरियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और जो है अब हमारा जो हो रहा है सेकंड हाफ का भी थर्ड हाफ हो चुका है क्योंकि आज हम लोग मसरूफ थे, हमने अपना खत भी बना लिया घर में। सही, कैसे बचाओ कल काम आएंगे। आज बचाएंगे कल काम आएंगे। और जो है ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, दूसरों के काम आएंगे, दूसरों की मदद करने में काम में आएंगे ना। सही। और हमारे लोग जो कमाई लड़ाई झगड़ा जो आप लोग अक्सर बेशतर लोग सोचते होंगे ना, तो हमारा ऐसे ही रहता है। सही कह रही हूँ? तो बात चल रही है किसकी? जो आपकी चल रही है ना व्यूअर्स के साथ। इधर आ रही है, रोशनी आ रही है, ये धूप कहाँ से आ रही है? हाँ ये है ना, क्या लुक आया जुनेद का ना, जैसा माहौल वैसे ही देश वैसा भेस। मिट्टू मियाँ जा रहे हैं यहाँ से। और थर्ड हाफ के बाद हम लोग अब खाने जा रहे हैं, अपना लंच करने जा रहे हैं लंच। और जस्ट लाइक ये नॉर्मली हमारे अब जो मैंने जैसे बताया ना रूटीन लाइफ हमारी बहुत बिजी होती जा रही है। आ गए, थैंक यू सो मच। हमारी रूटीन लाइफ जो है ना जिस पर आप लोग को एक्सप्लेन किया बहुत बिजी होती जा रही है, बहुत ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ ना, यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मैं शेयर करना चाहती भी हूँ लेकिन मैं नहीं फिलहाल करना चाह रही अभी। और ये एक मिनट अब सेट हो गई मैं, हाँ मैं सेट, सारी चीज़ें हम लोग ब्लॉग के दौरान कर सकते हैं। खाना भी दिखाते हैं। दाल चावल बनाया मैंने, उसके अलावा मैंने ना शिमला और आलू की थोड़ी सी भुजिया बनाई है और फ्राई मिर्चे है और अचार है, जो बात आपको दिखाते हैं फिर आप भी शेयर करें हमारे साथ खाएं। और हाँ जब तक मैं खाना लगा रही हूँ आप मेरे पुराने ब्लॉग देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, नहीं देख रहे हैं तो आगे शेयर कर दें, शायद कोई और देख ले। बिल्कुल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?